नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरभान सिंह ने शुक्रवार को वैरिया विधानसभा क्षेत्र के इब्राहिमाबाद नौबरार के नई बस्ती में अग्नि पीड़ित तथा ग्राम सभा चक्की चांदरिया निवासी ट्रैक्टर के रोटावेटर से गंभीर रूप से घायल किशोर के परिजन से मिले और उन्हें तत्कालीन तौर पर दोनों परिवार को तत्कालीन तौर पर निजी मद से 10,000 रुपए की सहायता प्रदान की। बता दें कि सपा के नेता सूरभान सिंह ने रात में ही लखनऊ से अपने गांव जयप्रकाश नगर वापस लौट रहे थे, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा बताने पर सुबह उठकर के पहले इब्राहिमाबाद नौबरार की नई बस्ती में जगदीश प्रसाद पुत्र स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद से मिले और उन्हें सत्वना दी। जगदीश प्रसाद का मढ़ा बीते सोमवार की रात अज्ञात कारणों से लगी आग में जल गया, जिसमें रखे सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। इस आग लगी में दो बकरियां भी झुलस कर मर गई। आग बुझाने में जगदीश प्रसाद ने बुरी तरह से झुलस गए और उनका पुत्र सत्येंद्र प्रसाद को भी हाथ पांव आग में झुलस गया। सपा नेता ने हालात को देखा कि अभी 3 दिन बीतने के बाद भी अग्नि पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे हैं। उन्होंने सत्वना देते हुए सपा नेता के 10,000 की तत्कालीन सहायता राशि उपलब्ध करवाई। वहां से निकलकर सपा नेता अपने कार्यकर्ता के साथ चांदरिया पंचायत के चक्की चांदरिया टोला में पहुंचे, जहां बीते 4 दिसंबर को खेत की जुताई के समय रोटावेटर में फंसकर सूरज यादव 17 वर्षीय पुत्र अमित कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका इलाज वाराणसी ट्रामा सेंटर में चल रहा था। युक्त के इलाज के लिए सपा नेता सूरभान सिंह ने उसके भाई अजीत यादव को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस मौके पर सपा नेता के साथ शैलेश सिंह, पिंटू यादव, अरुण सिंह, रामबली यादव, कामता यादव, सत्येंद्र यादव, शिव कुमार यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया। क्या कराएगी, हर गरीब परिवार को पेंशन उपलब्ध कराएगी और पहले भी हुआ है और आने वाला 2022 में भी होगा और हर लोगों को विकास की कड़ी से जोड़ेगा समाजवादी पार्टी सरकार। अपने द्वारा आर्थिक सहयोग किया गया ना दुश्वार समझती है गरीब परिवारों के यहाँ, तो कैसे सरकार ढिंढोरा पीटती है। एक प्रश्न चिन्ह है इस पे कि सरकार ऊपर से ही ढिंढोरा पीटती है कि मेरा सरकार सही चल रही है, मैं गरीबों का ही तैसी हूँ, कैसे ही तैसी है, इस बात का प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और गरीब जानते हैं कि इसका क्या परिणाम है सरकार का और क्या रिजल्ट है। वो समय आने पे, अब समय आ गया है 2022 में, एक एक परिवार गरीब का और जा करके और साइकिल पे मोहर लगाएगा और उस दिन जवाब देगा कि कैसे आप हमारा हितैषी हैं, और उस दिन परिणाम आ जाएगा 2022 में कि सरकार का हितैषी कौन था और कौन नहीं है। और उस दिन 2022 में साइकिल की सरकार बनने जा रही है, जो कि हर गरीब परिवार को आवास। का नाम क्या है? सत्येंद्र प्रसाद। अच्छा, किस गांव के रहने वाले हैं? नई बस्ती। आपके यहाँ ये घटना हुई है आगजनी की? 3 दिन से हुआ है, अभी कोई सहयोग नहीं मिला। अच्छा, अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला है? नहीं। आज आपके यहाँ कोई पहुँचा है? हाँ, सुरदान भैया तो अपना जो भी हुआ वो सहयोग किया है। अच्छा, इसके पहले अभी तक कोई नहीं आया था? कोई नहीं आया, कोई सहयोग नहीं मिला है? नहीं मिला। आज सुरभान सिंह समाज सेवी जो है, सपा का एक सपा का कार्यकर्ता भी हैं और समाज सेवी भी हैं, जो उनके द्वारा आज आया गया आपके यहाँ। हाँ, वो तो यहाँ थे नहीं, लखनऊ थे। हाँ, लेकिन उनका तबियत खराब चल रहा था, उस हालत में आज आपके यहाँ आए हैं। हाँ, और आपको सहायता राशि दिए। हाँ, अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि आपके यहाँ आने का काम नहीं किया, ठीक है? नहीं किया। अच्छा।